हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और आगे जो आप रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, तो बनाते हैं आज ब्रेड रोल्स, जिसके लिए मैंने ये मैश पोटैटो ले लिए हैं एक बाउल। ये मैंने चार आलू जो हैं वो बॉईल करके मैश कर लिए हैं, और मैंने उसमें वेजिटेबल्स के में मैंने मटर जो कि फ्रोजन थे उसको मैंने गर्म पानी में से निकाल लिया है, और गाजर ली है एक मैंने मीडियम साइज की, एक छोटी शिमला मिर्च ली है, कुछ धनिया पत्ती और एक मैंने हरी मिर्ची ली है। अगर आप हरी मिर्ची नहीं डालना चाहते तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। और कुछ मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, और मैंने सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। काली मिर्च आधा चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और धनिया पाउडर आधा चम्मच डालेंगे। और कुछ मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, और मैंने थोड़ा पानी लिया है जिसमें हम ब्रेड को बाद में डिप करके स्क्वीज करेंगे। चलिए, तो ब्रेड रोल बनाने के लिए हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पहले हम बाउल में जो मैंने मैश बॉयल पोटैटो रखे हैं वो डाल दूंगी, फिर हम इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये मैंने मटर, गाजर, ये मैंने हरी मिर्ची और धनिया पत्ती डाल दी। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। आधा चम्मच में काली मिर्च डालूंगी, आधा चम्मच में लाल मिर्च डालूंगी, धनिया पाउडर आधा चम्मच या उससे थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इनको अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि इसमें कोई मोटी मोटी गुठलियां ना रह जाएं। चलिए, तो अब आलू की फिलिंग तैयार है। अब हम ब्रेड स्लाइस तैयार कर लेते हैं। ब्रेड लेंगे हम, ब्रेड के चारों तरफ से उसके एजेस उसके काट देंगे, ऐसे चारों तरफ से हमने इसकी एजेस काट दिए। तो अब रोल्स को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेड का पीस लूंगी, उसको ऐसे पानी में हल्का सा डिप करना है और अच्छे से दोनों हाथों की कलियों से इसको स्क्वीज कर देना है। पानी अच्छे से निकाल दीजिए ताकि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ज्यादा ना रहे। अब थोड़े से हम आलू लेंगे, ऐसे उसको बीच में रखेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में रख दीजिए, और दोनों तरफ से ऐसे रोल करके ऐसे उसको दबा के तैयार कर लीजिए। देखिए, ये हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम अब रखेंगे, ऐसे हम बाकी के भी रोल तैयार कर लिए। हमारे रॉ ब्रेड पीसेस जो हैं, ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं। ये मैंने एजेस काट के, जो चार पीस है मैंने एजेस काट के बनाए हैं, और दो पीसेस मैंने एजेस को बिना काटे भी बनाए हैं। ये खाने में और भी क्रंची लगते हैं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने बिना एजेस काटे भी दो पीसेस बनाए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम रख दिया है। अब तेल हमारा बिल्कुल गरम हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड रोल डालेंगे, और ब्रेड रोल को मैंने 10 मिनट की रेस्ट के लिए रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इसका चला जाए। ब्रेड रोल आप जितने आपने तेल डाला है कढ़ाई में जितने डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं। मैं चार पीस डालूंगी पहले, और इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी गोल्डन होने तक। देखिए, अब ये गोल्डन हो रहे हैं, चारों तरफ से इनको अच्छे से पका लीजिए, और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाए तब हम इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, इनको अब हम किचन टॉवल पे बिल्कुल निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से बहुत क्रंची क्रंची बने हैं, और ये हमने इसको किचन टॉवल पे निकाल लिया है। ये देखिए, अच्छे से तैयार हो गए हैं।
अब हमारे ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको ग्रीन चटनी और सॉस के साथ बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। आपको मैं ये तोड़ के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल क्रंची बने हैं।